नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ ग्लास को डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ ग्लास जो है ना, जो भी मेडिसिन हम अगर डायरेक्टली ब्लड में देते हैं तो उसे पैरेंटरल बोलते हैं, और जो मेडिसिन डायरेक्टली ब्लड में नहीं देते हैं उसे नॉन पैरेंटरल। तो अगर पैरेंटरल मेडिसिन स्टोर करने के लिए ग्लास कंटेनर यूज़ कर रहे हो तो उसे पैरेंटरल यूज़ बोलना है, और जो डायरेक्टली ब्लड में नहीं देते ऐसे मेडिसिन स्टोर करने के लिए जो ग्लास कंटेनर यूज़ कर रहे हो उसे नॉन पैरेंटरल के यूज़ के लिए बोलना है। ठीक है, तो इस टाइप से इसके दो टाइप हो गए, एक पैरेंटरल यूज़ के लिए और एक नॉन पैरेंटरल यूज़ के लिए। तो पैरेंटरल यूज़ में जो ग्लास वेयर्स आते हैं उसमें टाइप 1 होगा, टाइप 2 होगा और टाइप 3 होगा, और नॉन पेरेंटरल में टाइप 4 होगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो टाइप 1 होता है ना, वो किस चीज़ से बनता है? वो बनता है बोरोसिलिकेट से। ठीक है, हाईली रेजिस्टेंस बोरोसिलिकेट। तो इसे याद कैसे रखना है, देखो एक अकेला आदमी है, ठीक है, अकेला आदमी तो बोर हो जाएगा। ठीक है, अकेला आदमी बोर हो जाएगा तो टाइप 1 जो भी बनेगा वो बोरोसिलिकेट का होगा। ठीक है, हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट का होता है। और बच्चे, ये तीन टाइप के जो है, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ये बनते हैं सोडा लाइम से। ठीक है, सोडा पीने के लिए कितना लोग चाहिए? 2 लोग चलेगा, 3 लोग चलेगा, 4 लोग चलेगा। ठीक है, पर अकेला आदमी तो बोर हो जाएगा, तो ये सब सोडा पी रहे साथ में, तो ये बनते हैं सोडा लाइम ग्लास से। ठीक है, इसमें भी टाइप होता है तो उसे भी देख लो अच्छे से। ये देखो, टाइप 2 जो होता है ना, वो होता है हाईली रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, हाईली रेजिस्टेंस सोडा लाइम, तो ये यज बनता है ना 2 से, तो ये बनेगा हाईली रेजिस्टेंट हो जाएगा ये। और ये टाइप 3 जो है ना, वो होगा मॉडरेटली रेजिस्टेंस। ठीक है, मॉडरेटली रेजिस्टेंस सोडा लाइम ग्लास हो जाएगा। और ये टाइप 4 जो है ना, इस 4 को मैं अगर ऐसे लिख दूँ तो चलेगा ना? तो इसे बोलना है जनरल पर्पज़ के लिए, जनरल पर्पज़ सोडा लाइम ग्लास। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये भी याद हो जाएगा, ये हाईली रेजिस्टेंस सोडा लाइम, मॉडरेटली रेजिस्टेंस और ये जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। आगे इसका यूज़ भी देख लो। तो ये टाइप 1 जो होगा ना, ये टाइप 1 होता है, अब अकेला आदमी है तो रफ एंड टफ होगा। ठीक है, कोई आगे पीछे होने वाला नहीं, तो ये क्या हो गया, रफ एंड टफ, यानी बफर्ड एंड अनबफर्ड सोल्यूशन, कोई भी रखो इसमें, बफर्ड एंड अनबफर्ड एक्वियस सोल्यूशन। अकेला आदमी तो रफ एंड टफ होगा। अब ये होगा हाईली रेजिस्टेंस सोडा लाइम वाला जो है टाइप 2 वाला, ये टाइप 2 में आएगा बफर्ड एक्वियस सॉल्यूशन बिलो पीएच 7 वाले एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये 2 जो है ना, 2 को आपने शू बोल देना है, तो ये जो ग्लास का शू है, ठीक है, हम टाइप्स ऑफ ग्लास पढ़ रहे हैं ना, तो ये 2 से शू, ग्लास का शू जो है वो बफ कलर का है। कौन से कलर का है? बफ कलर का है, और उसका पीएच जो है वो 7 से नीचे है, अगर ज़्यादा हो गया तो ये शूज़ ख़राब हो जाएगा। बस इस तरह से आपने याद रख लेना है। अब ये 3 वाला देखो, मॉडरेटली रेजिस्टेंट जो है ना, ये 3 वाला यूज़ होता है इसका ड्राई पाउडर एंड ऑयली सॉल्यूशन। देखो, ये 3 को अगर आप फ्री बोल दो, 3 से फ्री होगा, फ्री क्या है? फ्री है ड्राई पाउडर एंड ऑयली सॉल्यूशन, यानी कि ड्राई पाउडर वाला डी एंड ऑयली सॉल्यूशन वाला ओ, तो डी ओ फ्री है, फ्री यानी 3 है, तो टाइप 3 का यूज होगा ड्राई पाउडर्स एंड ऑयली सॉल्यूशन के लिए, डी ओ फ्री है। और ये बचा 4, तो ये तो पता ही है नॉन पेरेंटरल के लिए है ना, तो इसमें आएगा पूरा टैबलेट्स जो हम ओरल से लेते हैं, लिक्विड जो ओरल से लेते हैं, और एक्सटर्नल पर्पज़ वाले मेडिसिन्स के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये चारों टाइप्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, और जो भी आपका ऑप्शंस हो गए, आप उसमें से सही आंसर को इस पर बने हर एक एमसीक्यू का जवाब इजीली दे सकोगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।